चलो छोड़ के दो, हम क्या पढ़ने वाले हैं? फ्यूचर इंडेफिनेट, ठीक है ना? इसमें क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित भविष्य काल, और भविष्य काल की क्या पहचान है कि आने वाले समय में किए जो भी योजनाएं बनती हैं, ठीक है ना? तो इसमें वाक्य के अंत में क्या आता है, गा, ये, और की, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या है सिंपल सेंटेंस बनाने का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्लिक विल, प्लस वर्ब का फर्स्ट फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? मान लो आप हमें एक सेंटेंस ले लेते हैं कि मैं खाऊंगा, मैं क्या करूंगा, खाऊंगा। तो यहां आप लोग देख रहे हो कि लास्ट में क्या आया है, गा आया है जी। अब इसमें जितने जो करता है, आई है, वी है, दे है, यू है, ई है, है ना? फिर इसके बाद क्या है, सी है, इट है, और यदि किसी का नेम हो तो आई और बी के साथ क्या लगेगा, और बाकी जितने इनके साथ क्या लगेगा, विल, ठीक है? उस हिसाब से हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्या बन जाएगा, नेम के लिए आई और खाने के लिए क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, और हेल्प क्या हो जाएगा, ये तरीके से हमने क्या बनाना है, सेंटेंस बनेगा जी। इजी है जी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी।